दोस्तों, ट्रेन का सफर किसे पसंद नहीं। हर कोई ट्रेन में सफर कर चुका होगा, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है तो आप सोच में डूब जाएंगे। लेकिन आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ लंबी है बल्कि इतनी लंबी है कि अगर आप उस ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना चाहेंगे तो आपको एक दिन भी कम पड़ सकता है। और एक ट्रेन तो ऐसी भी है जो करीब 8 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, और इस ट्रेन की लगभग 700 बोगियां हैं। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में हम आपको भारत की भी सबसे लंबी ट्रेन से रूबरू करवाएंगे, तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। बिलिटन आयरन ओर ट्रेन ऑस्ट्रेलिया। BHP हमारी लिस्ट की सबसे बड़ी ट्रेन, जिसकी कुल लंबाई 7300 मीटर है। BHP ने 28 मई 1996 को 10 लोको 540 वैगन विशेष के साथ निर्धारित सबसे भारी ट्रेन के लिए पहले से ही रिकॉर्ड रखा, जिसने 72,191 टन की कमाई की। हालांकि 5,892 मीटर पर ये 1991 में दक्षिण अफ्रीका के सिसेन सल्दाना लौह अयस्क लाइन पर संचालित 71,600 टन की ट्रेन से कम था। ये 660 वैगनों से बना था, जो कुल 7200 मीटर की लंबाई के लिए 9 इलेक्ट्रिक और 60 डीजल लोकोस द्वारा निर्मित थी। रियो टिंटो रेलवे सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन रियो टिंटो की कुल लंबाई 2400 मीटर से अधिक है। ये ट्रेन एक बार में 30,000 टन से अधिक सामान ले जा सकती है। ये ट्रेन एक बार में 1700 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 226 बोगियों के साथ चलती है। ऑस्ट्रेलिया से ट्रेन खानों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करती है। इंडियन रेलवे वासुकी। रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। ये ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है और इसे 5 इंजन खींच रहे हैं। पांचों इंजन के तालमेल के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जोड़ा गया है, ताकि बेहतर सामंजस्य बनाकर 295 डिब्बों को पटरी पर दौड़ा सके। रेलवे ने एक तरफ देश की सबसे तेज गति से चलने वाली वंदे भारत जैसी 44 ट्रेन के निर्माण करने के लिए ठेका दे दिया है, तो दूसरी तरफ वासुकी नाग नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले भारत में जो सबसे लंबी ट्रेन चली है उसे शेषनाग का नाम दिया गया था। इसे 4 ट्रेनों को जोड़कर चलाया गया था। इसके भी पूर्व 3 ट्रेनों को जोड़कर एनाकोंडा ट्रेन चलाई गई थी। अब आगे बढ़ते हुए रेलवे ने वासुकी नाग के नाम पर ट्रेन चलाई है। ये ट्रेन रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चली है। यूनियन पैसिफिक ट्रेन। यूनियन पैसिफिक ट्रेन एक तरह की संस्था है जो यूरोप में रेलगाड़ियों को चलाने का काम करती है, जिनमें ये ट्रेनों के लिए डीजल, पेट्रोल या कोयले का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कई ट्रेन तो ऐसी हैं जो भारतीय ट्रेनों द्वारा चलाई जाती है, जिसे कोयले के इंजन द्वारा चलाया जाता है। यही वजह है कि इसमें जितने लोग यात्रा नहीं करते उससे ज्यादा लोग इसे देखने को पसंद करते हैं। बात तो ये है कि दरअसल साल 2010 में पैसिफिक ट्रेन के कर्मचारी ये देखना चाहते थे कि आखिर एक इंजन से कितने डब्बों को खींचा जा सकता है, और इस तरह उन्होंने कई मालगाड़ियों और बोगियों को जोड़कर एक इंजन से उसे खींचा, क्योंकि इसमें काफी अच्छी बचत होने वाली है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इतनी लंबी ट्रेन को एक इंजन द्वारा खींचा गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।